रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। रेडियो धर्म गंगा में आज हम चर्चा करेंगे सनातन की। हम सब सनातन की बात तो करते हैं, लेकिन ये सनातन है क्या, इसका अर्थ क्या है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ये कई प्रश्न हैं जो अधिकतर लोगों के दिमाग में आते हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। सनातन का उल्लेख वेदों में मिलता है। वेद सनातन धर्म के प्रमुख शास्त्र माने जाते हैं और इसमें सनातनता के सिद्धांतों, आदर्शों और विचारधाराओं की चर्चा की गई है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में सनातन के रूप में शब्द सनातन का उपयोग किया गया है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 164 मंत्र 46 में लिखा है, विश्वे देवासो अधिदेवम यज्ञम नो देविर्भीतः सनातनम भवंतम। विश्व के सभी देवता अधिदेव को यज्ञ के माध्यम से पूछते हैं जो सनातन है और हमारे भविष्य में भी हमारे साथ बना रहेगा। यजुर्वेद में भी सनातन का व्याख्यांतन किया गया है। उदाहरण के लिए यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद 33 ब्राह्मण खंड 3 प्रपाठक 12 में लिखा है, अहम ही सनातन आदित्य सर्वाम लोकानाम अधिपति ही, मैं ही सनातन आदित्य हूँ, सब लोगों का अधिपति मैं ही हूँ। सनातन संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है अनंत या अविनाशी। यह शब्द भारतीय धार्मिक परंपरा में उपयोग होता है और सनातन धर्म के रूप में जाना जाता है। सनातन धर्म भारतीय सभ्यता और दार्शनिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे भारतीय उपमहाद्वीप के आदिकाल से प्रचलित माना जाता है और इसे सर्वप्रथम उन्हीं अवतार ने प्रचारित किया था जो मानव सभ्यता के विभिन्न युगों में आए। सनातन धर्म न केवल एक धार्मिक मान्यताओं का संग्रह है, बल्कि इसे एक जीवन शैली, एक दर्शन और एक संस्कृति के रूप में भी समझा जा सकता है। सनातन धर्म की मुख्यता संसार के चक्रवर्ती श्री राम, श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध के उपदेशों पर आधारित है। ये धर्म सत्य, अहिंसा, न्याय, धर्म, कर्म और स्वाध्याय के मूल्यों पर आधारित है। सनातन धर्म की प्रमुख पुराणों, उपनिषदों, गीता और वेदों में इन मूल्यों की व्याख्या की गई है। इसके साथ ही सनातन धर्म विश्वास करता है कि आत्मा अमर है और शरीर सिर्फ एक आवास है। इसका मतलब है कि मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और इस प्रकार जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। सनातन धर्म के अनुयायी जीवन का मकसद मुक्ति है। जीवन का लक्ष्य मुक्ति है, जिसका अर्थ है आत्मा के मोक्ष से संयुक्त होना। सनातन धर्म को मानने वाले ईश्वर में विश्वास रखते हैं, परंतु इसे पूजनीय रूप में किसी एक देवता से सीमित नहीं करते। इसके समर्थक ईश्वर को एकाकी और अद्वितीय मानते हैं, जो सब कुछ व्याप्त करता है और सभी प्राणियों में मौजूद है। यह धर्म भारतीय सभ्यता की एक महत्वपूर्ण पहचान है और उसके प्रतीक स्वरूप का गहन अध्ययन और समझने का विषय रहा है। तो इसी के साथ रेडियो धर्म गंगा में इतना ही। मैं लूंगी अनुमति, फिर से आपसे जल्दी मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान।